ओम शांति। कलयुग में छप जीव को जीतने वाला नहीं है, कम से कम हम बाबा के बच्चे तो क्या बनना है, इंद्रजीत जितेंद्र बनना है। तो पहले जीव को जीतो तो आगे आने वाले समस्याओं का समाधान बन जाएंगे। कम से कम एक दिन हफ्ते में अगर ये छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखते हुए फॉलो किया तो एक दिन उपवास रहना है। उपवास का मतलब तीन काम होता है, सभी समझो। कई लोग डरते हैं, उपवास है डर गए हो क्या, कुछ नहीं होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है, डराते हैं लोग। उपवास का मतलब क्या है? क्लीनिंग, चार्जिंग और रिपेयरिंग, तीन काम चलता है। उपवास में क्या होता है? क्लीनिंग, चार्जिंग, रिपेयरिंग, वो है उपवास। उपवास को ऐसे नहीं समझो कि कोई पेट को दंड दे रहा है। हमारे बैंक में बहुत डिपॉजिट है, वो सब वो पेट लेता है, आप डरो मत। वो उसके पास बहुत इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हुआ है, जो कैलोरीज हमने बर्न नहीं किया वो बहुत कुछ है, वो ऑटोमेटिकली जब पेट को चाहिए वो लेता है। लेकिन आपको उपवास का मतलब क्या करना है, क्या करना है? आप पानी ले लो, ये जो उबलता हुआ पानी नहीं है, ल्यूक वाटर, वार्म वाटर ले लो। एक शहद होता है ना, हनी, उसको दो चम्मच मिला, थोड़ा सा नींबू का रस डालो और दो दो घंटे को एक एक ग्लास पियो, सुबह 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, फिर 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, फिनिश। दिन में 7 times आप देखो, प्रयोग करके आपका पेट डांस करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? डांस, क्योंकि उसको हल्का कर दिया। हम क्या करते हैं, पहले एक टिफिन ले लेते हैं, उसमें वड़ा, बोची, बोंडा, इडली, सांभर, चाय, कॉफी सब। और कोई फ्रेंड आते हैं, मुझे थोड़ा कंपनी देना, नहीं मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे प्यार से मेरे लिए थोड़ा खाना, हाँ आ जाओ मैं आपके लिए जगह बना के, फिर एक राउंड खाते। तो पहले जो गए हैं क्यू में है उसका काम पूरा नहीं, नए लोग को भेज दिया। तो ये पेट क्या करता है, पुराने लोगों का काम वैसे ही फाइल स्पेंडिंग करके नए वालों का लेता है, तो ये पुराना का काम वैसे ही रह जाता है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। किसी के ऊपर आप पुराना काम ही खत्म नहीं किया, नया काम कर डाल दिया, तो वो क्या करता है, नया काम पर फोकस करता है, पुराना काम क्या करता है, छोड़ देता है। तो वो पेंडिंग रह जाता है, ये काम शुरू होता है। तो दिन में हम लोग कितना टाइम अपना ग्राइंडिंग सिस्टम को ऑन करके रखते हैं, चाय के नाम से, जूस के नाम से, या क्या टोली के नाम से, या क्या आजकल तो बहुत ऐसे भी है, पिज्जा बनाओ, बर्गर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो सब भी आपको एक महीने में एक बार भले खाओ ऐसे नहीं, लेकिन उसको ही खाने का सिस्टम बना दिया। एक महीने में एक दिन खाओ और एक दिन उपवास रख दो तो गंदगी सब, मेरे बात सुना, एंजॉय करना है ना, एक हफ्ते में नहीं एक महीने में खूब ब्रह्म भोजन खाओ। क्या क्या चाहिए तो खाओ, मंजूर है उमा बहन जी? कई लोग पूछते भैया फिर हमको काम क्या मिलता है सेवा अंदर करने के लिए, माताओं को तो 6 बजे को सब तरह से फिनिश। आप सभी भी क्या हो जाते हैं, एनवायरनमेंट जो प्रदूषण को खत्म करने का प्रोजेक्ट करते हैं, ये शबीना, ये पानी, वो सभी बचत हो जाते हैं। तो आप सभी एनवायरनमेंट के भी बचाने वाले योगी बन जाते हैं। पहले एसी को सत्युग का पद्धति को हम यहाँ से ही फाउंडेशन में लाना है। जब हम ऐसे सिस्टम बनाया, महीने में एक बार आप एंजॉय किया, एक दिन उपवास करो और फिर नमक और तेल और शुगर और मैदा, एक बेकिंग मैदा जो होता है, ब्रेड बनाते क्या क्या एक्स वाई जेड बनाते, उन सब से दूर रह के देखो। ये सबको व्हाइट पॉइजन कहते हैं। क्या पॉइजन कहते हैं?
आप ऐसे नहीं समझो हमको सॉल्ट में ही तो क्या हो जाता है, ये नहीं, ये डॉक्टर्स डराने के लिए बोलता है। आप जो खाते हैं सब्जियां सलाद उसमें ही सॉल्ट का कंटेंट आ जाता है, और बॉडी को कैल्शियम जो है वो तिल में मिलता है, तिल मालूम है, तिल, वो तिल में मिलता है, इसलिए आप तिल ले लो। और ज्यादा दूध को ही कैल्शियम का सोर्स नहीं बनाओ, थोड़ा पतला दूध को आप ले सकते हैं। अगर आपका जीवन में आपका शरीर आपके लिए सहयोग देना है, मेरा ये अनुभव है, खास 2 महीने के पहले यानी 1 महीना ही हुआ है, तो मैं नेचुरोपति में गया और वहाँ 15 दिन रुक करके इस सिस्टम को फॉलो किया, तो 1 हफ्ते मैंने उपवास किया केवल पानी से, हर नींबू पानी, उससे मुझे 15 दिन में 1 हफ्ते में ही 5 किलो डाउन हो गया और शरीर भी अंदर ही अंदर सॉफ्ट होता जा रहा है। और पहले में ये एलर्जी के कारण ज्यादा दवा लेता था, अब दवा भी थोड़ा थोड़ा छूट दे दिया है। और खाने में पहला ये जीव होता है, पहला 1 दिन 2 दिन हमको अपना पावर दिखाता है, कैसे मुझे छोड़ते हो, मेरा कस्टमर, मैं तुम्हारा ओल्ड कस्टमर हूँ, इतना जल्दी मुझे नहीं छोड़ना, जन्म जन्म मेरे साथ ही बना के अभी कैसे मुझे इनकार करते हो, ऐसे अंदर क्या होता है, अंदर क्या होता है, महायुद्ध कुरुक्षेत्र होता है, फिर भी आपको क्या बनना है, मनजीत, मनजीत जगनजीत, ऐसे समझ के बाबा से वरदान ले लो, बाबा मैं तो प्रकृति जीत संगम ही बनोगे, आपका आशीर्वाद मेरा ऊपर है, ऐसे समझ के आप थोड़ा थोड़ा इसको जीवन में इंप्लीमेंट करते जाओ, तो शरीर का वजन कम हो जाएगा, बीपी शुगर कम हो जाएगा, थायराइड प्रॉब्लम कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, और आगे आने वाले जो भी बीमारियां है उसको इनविटेशन नहीं मिलेगा, और जीवन में डॉक्टर के पीछे भागना, दवाइयों के पीछे भागना, वो भी कम कम होता रहेंगे, और हमारा शरीर ज्यादा से ज्यादा बाबा के सेवा में उपयोग होता रहेगा, और योगी जीवन आनंदित जीवन हो जाता है। हम सभी भी इस बात को ध्यान में रखें कि हमारा योगी जीवन है, भोगी जीवन नहीं। कितने बजे के अंदर खान पान का सब तरह के कारोबार बंद करना है, पेट को कितने बजे से आप छुट्टी देना है, 6 या 6:30 बजे या 7 बजे के अंदर शट डाउन कर दो बोर्डन को, क्या करना है, शट डाउन। इसलिए ऐसे आप पद्धति बनाएं। देखो पहले जब 50-60-80 years back हमारे दादा दादियां जब ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं थे ना, तब कितने बजे को खाते थे, सभी 7-7:30 उसके अंदर खा लेते थे और सोते थे। आज क्या हो गया, ये मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण सभी टीवी देख करके खाना एक आदत बना करके 9 को खाते, 10 को खाते, 11 को खाते, 12 बजे को खाते, भूतों का भोजन जैसे खाते, और कहते हैं हम नाइट शिफ्ट है, ये शिफ्ट है, ऐसे करके पेट को बहुत बहुत स्ट्रेस करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, छोटे उम्र में ही सब तरह के बीमारियों का शिकार बन जाता है। इसलिए एक सिस्टम को गड़बड़ी नहीं करना। देखो चिड़िया होता है, वो चिड़िया के पास केवल वो फल को लेता है, वो भी वो अमृत को ही लेता है, बाकी अब उसके साथ रखे तो भी नहीं खाते। एक बकरिया होता है, उसके आगे कोई पत्ते होता है ना, उसको ही खाते हैं। आप जाकर के उसके पास रसगुल्ला रखो, गुलाब जामुन रखो, वो नहीं खाते। लेकिन ये मनुष्य क्या है, इसमें भी हाथ डालते हैं, उसमें भी हाथ डालते हैं, इसमें भी हाथ डालते हैं, सब खाके अंदर क्या बनाया दिया, एक बहुत बड़ा म्युनिसिपैलिटी का सिस्टम बना दिया। इसलिए जिसका पेट साफ उसका मन साफ, जिसका मन साफ उसका जीवन साफ, जिसका जीवन साफ वो प्रभु का सेवा भी साफ करता है, जिसमें सूक्ष्म विकार होता है
चाहे काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, सपनों का, वो सब भी कंट्रोल में आ जाता है, शांत हो जाता है, इंद्रिया शीतल बन जाता है जब आप खान पान में थोड़ा परिवर्तन लाए। आशा है बाबा के बच्चे सभी भी हेल्दी रहे, हैप्पी रहे और आपके जीवन में अमृत आहार का पद्धति अप्लाई करें, अपने ऊपर आप डॉक्टर बने। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।